दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप तमाम साथियों को हमारी एक और नशस्त में जो है वो वेलकम करता हूँ। आज जो हमारी नशस्त या जो वेबिनार हमने ऑर्गेनाइज किया है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो है वेबिनार है, जिसमें हम यूथ के हवाले से बात करेंगे। स्पेशली जो हमारा टॉपिक है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ यूरोप, क्योंकि यूरोप जो है आपको पता है कि पूरी दुनिया में एक एडवांस सोसाइटी है, जहाँ पे न सिर्फ सोसाइटी एडवांस है बल्कि उसके बाकी तमाम एस्पेक्ट्स जैसे एजुकेशन है, बाकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं या जो लाइफ स्टाइल है वो बाकी दुनिया से जो है वो काफ़ी एडवांस है। तो इन तमाम एक्सपीरियंसेस को मालूम करने के लिए वहाँ की लाइफ के बारे में, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज के हवाले से जानने के लिए हमने अपने तीन स्पीकर्स को एज ए स्पेशल गेस्ट आज के इस वेबिनार में इनवाइट किया है। मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस उनके साथ करा देता हूँ। फिर यह है कि हमारे रूम में भी कुछ यूथ और साथी हैं, कुछ और ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा फेसबुक पे भी हम लाइव जा रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे वो हम करेंगे। 1 घंटे की हमारी डिस्कशन होगी। तो बगैर किसी वक्त जाया किए हुए मैं अपने जो मेहमान हैं, हमारे जो स्पीकर्स हैं, उनके उनका आपके साथ इंट्रोडक्शन कराता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर वहाब सियाल साहब। आपका ताल्लुक सूबे सिंध के जिला सांगढ़ से है। आपने अपनी हायर एजुकेशन जो है वो सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जाम से हासिल की, और उसके बाद पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर के रिसर्च के सबसे बड़े इदारे NARC में जो है वो काम किया रिसर्चर के तौर पे, और मुख्तलिफ क्लाइमेट चेंज, वाटर और इन तमाम सब्जेक्ट्स पे काम किया, और इस वक्त अपनी PhD जो है वो नीदरलैंड में कर रहे हैं। तो हम वहाब सियाल साहब को वेलकम करते हैं आज की डिस्कशन में। हमारे साथ जो दूसरी स्पीकर्स हैं वो हमारी भतीजी हैं जारा वहाब, इंतहाई टैलेंटेड और न सिर्फ एजुकेशन में लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी वो इस्लामाबाद में काफ़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी। यहाँ पे वो अपने राइट अप्स उनके छपते थे मुख्तलिफ अखबारों में, पोइट्री भी करती थी, वुमेन डे पे उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच भी की थी जो मुझे याद है। तो जारा से हम ये पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस जो है वो एजुकेशन का इस्लामाबाद में और जो नीदरलैंड में कर रही है उसमें क्या बुनियादी फर्क है। तो बेटा आपको भी हम वेलकम करते हैं जारा। हमारे साथ तीसरे हमारे जो स्पीकर हैं मुस्तफ़ा गुरगेज साहब हैं, डेवलपमेंट प्रोफेशनल हैं जिनका कोई 12 साल से जायद का जो है वो डेवलपमेंट का तजर्बा है। आपका ताल्लुक सूबे सिंध के जिला बदीन की तहसील टंडो बागो के एक छोटे से गांव से है। वहां से आपने अपनी प्रोफेशनल जो जिंदगी था थी उसका आगाज किया था। आपने सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में स्टडी की, उसके अलावा मुख्तलिफ मल्टीपल जो नेशनल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ रिसर्च और उसके अलावा मुख्तलिफ डिजास्टर, वाटर, क्लाइमेट चेंज पे काम किया, और आप पिछले कई महीनों से नीदरलैंड्स में हैं। वहाँ भी आपने स्टडी जो है वो अपनी जारी रखी है और वहाँ पे सुख रहते भी हैं। तो हम मुस्तफ़ा साहब को भी जो है आज के वेबिनार में वेलकम करते हैं और उनके एक्सपीरियंसिस भी हम सुनेंगे। वेलकम मुस्तफ़ा साहब, आपको भी थैंक यू, बहुत ही शुक्रिया। तो हमारी जो डिस्कशन है उसकी जो शुरुआत है मैं वो जारा से करना चाहूँगा। जारा जो है जैसा मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद में यहाँ पे काफ़ी एक्टिवली उन्होंने मुख्तलिफ स्टडी के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज थी उसमें भी काफ़ी जो है वो बड़े शौक के साथ, बड़ी एनर्जी के साथ वो उनके इंगेज होती थी। तो ज़रा मेरा छोटा सा एक क्वेश्चन है, क्योंकि पाकिस्तान के पूरे यूथ पूरे पाकिस्तान से आपको जो है वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो आप थोड़ा बताएंगे कि जो आप इस्लामाबाद में भी ओ लेवल और ए लेवल के जो स्कूल थे वहाँ पढ़ रही थी और अभी भी आप नीदरलैंड में यहाँ पढ़ रही हैं, तो बुनियादी तौर पे वहाँ की स्टडी में और यहाँ की स्टडी में आपको कौन सी स्टडी या कौन से स्कूल्स या इंस्टीट्यूशन आपको अच्छे लगे पढ़ने में या पढ़ाई में? मैं पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। पाकिस्तान में जब पढ़ रही थी तो मैं ओ लेवल्स कर रही थी, और जब मैं नेदरलैंड्स में मैंने मूव किया तो आई स्टार्टेड डूइंग आईबी व्हिच फॉर इंटरनेशनल बैकलोरेट। और आईबी जो है वो एक रिलेटिवली न्यू सिस्टम है, और वो भी पाकिस्तान में भी है, और पाकिस्तान में भी कुछ स्कूल्स जो हैं जैसे
देखा कि आईबी जो था वो एक स्टूडेंट को एज अ होल फोकस कर रहा था, यानी वो आपके सिर्फ ग्रेड्स या आपके एग्जामिनेशन स्कोर्स नहीं देखेगा बल्कि आपको वो देखेगा कि आप एक्स्ट्रा कौन सी चीजों में पार्ट ले रहे हो, और आपको वो इनकरेज करेगा कि आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉक्टर साइंस में ले रहे हो तो आपको वो सिर्फ ये नहीं कहेगा कि इंफॉर्मेशन है और आप उसको मेमोराइज करो या आपका टेस्ट होगा उस पर, साथ साथ आपको वो डिमांड करेगा कि आप लैब रिपोर्ट्स लिखो, आप अपनी लैब डिजाइन करो जो है, आप अपनी एक्सप्लोरेशन करो, इन्वेस्टिगेशन करो, और वो वाली ऐसी चीजें होती है वो एक स्टूडेंट को बहुत चैलेंज करती है, क्योंकि अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, आपको कहा जाए कि आप इसे पढ़ो, तो इट्स रिलेटिवली ईजी कि आप जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको स्टडी किया, आपने टेस्ट किया, लेकिन व्हेन यू हैव टू थिंक फॉर योरसेल्फ कि आपने कैसे खुद से डिजाइन करनी है लैब, आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन कैरी करनी है, तो आपको बहुत चैलेंज करता है कि आप क्रिएटिव थिंकिंग करो. तो इससे मुझे काफी हेल्प किया था जो मैं अपने स्कूल से हटकर एक्स्ट्रा पॉइंट्स या डिबेट्स वगैरह में पार्ट लेती थी, तो उन सारी चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि उन सारी चीज़ों ने मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया था और एक क्रिएटिव क्रिटिकल माइंडसेट दिया था जिसको मैं यूज कर सकती थी इसके लिए. और बाकी आईबी में कुछ कंपल्सरी कंपोनेंट्स होते हैं जिस तरह एक्सटेंडेड एसे जो है बेसिकली आपको कहते हैं कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करो और उसमें आप 4,000 words की इन्वेस्टिगेशन, और ये आप खुद से कर सकते हो, कोई भी साइंस चूज करो, कोई मैथ्स चूज करो, कोई हिस्ट्री का टॉपिक, लेकिन आपको खुद से इन्वेस्टिगेट करना. और दूसरा कंपोनेंट है कैश, व्हिच स्टैंड्स फॉर क्रिएटिविटी एक्टिविटी और सर्विस, उसमें आपने एक्स्ट्रा क्रिएटिव चीजें करनी है, कोई कम्युनिटी को हेल्प करनी है, इस तरह वाली चीज. तो इन सब की ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप क्रिटिकली थिंक करो, आप बहुत क्रिएटिव माइंड सेट के साथ आओ. तो आई थिंक दैट्स वेरी, ठीक है. तो जो इस वक्त आपने फिर वहां पे ओ लेवल की जगह ये आईबी जो है वो करना शुरू कर दिया, जैसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फाउंडेशंस भी कराई जाती हैं, वो भी इक्विवेलेंट होती है मतलब ए लेवल के वो करने के बाद डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, इसी तरह से है ये भी इसी तरह से है. ठीक है, IB के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है मिडिल ईयर्स प्रोग्राम जो कि ओ लेवल्स का वो है सब्स्टिट्यूट है, और जो डिप्लोमा प्रोग्राम है वो ए लेवल्स के 2 years का. ठीक है, बहुत बिल्कुल आपसे आगे भी और सवाल करेंगे. अब मैं वहाब की तरफ जाना चाहूंगा. जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि वहाब ने यहाँ से सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम से अपनी तालीम हासिल की, और उसके बाद पाकिस्तान की रिसर्च के सबसे बड़े इदारे NARC के साथ इस्लामाबाद में जो है वो सालों से काम किया. मुझे याद है कि इसी दौरान वहाब ने जो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है रावलपिंडी में, वहाँ पे भी PhD में अपना एडमिशन लिया था, लेकिन उसको फ्रीज करके जब उनकी जो उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली अभी जो रिसेंटली जहाँ पे नीदरलैंड में PhD कर रहे हैं, तो हम वहाब से ये जानना चाहेंगे क्योंकि आपने वहाँ पे हायर एजुकेशन सिंध के तालीमी इदारों में यूनिवर्सिटीज में भी ली, आप एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी आपने PhD का कोर्स वर्क और ये सारा किया, तो बुनियादी तौर पे वहाँ की स्टडी में और यहाँ जो आप अभी PhD कर रहे हैं तो उसमें क्या बुनियादी फर्क है, स्टूडेंट्स को किस तरह से जो है वो मोटिवेट किया जाता है या फैसिलिटेट किया जाता है ताकि वो एक अच्छा क्वालिटेटिव जो है वो रिसर्च करके यहाँ से निकले. मेहरबानी हुसैन साहब, रिलेटेड टू आपके सवाल के साथ कि एक तो बात यह है कि पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम और यूरोप के एजुकेशन सिस्टम का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम फैसिलिटीज और फैकल्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जब एक और दूसरा ये स्टूडेंट जब यहाँ पर कॉलेज से और बैचलर लाइफ से आगे एडवांस लेवल पे जाता है तो वो पहले काफ़ी स्किल्स और टूल्स के साथ जो है वो उसको पता होती हैं, तो उसके लिए ये होता है कि वो जो के लिए करे अदर हायर स्टडीज. तो जैसे हम पाकिस्तान में हमारे साथ ये मसला होता है कि हमारे यहाँ थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एजुकेशन जो है वो उस लेवल पर नहीं होती, तो फैकल्टी का भी इशू है और लेवल ऑफ एजुकेशन का इशू है. तो जब हम यहाँ आते हैं शुरू में तो हमें काफ़ी
स्ट्रगल करनी पड़ती है और उन जो यहाँ पे जो यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं उनके लेवल पे आने के लिए। मगर एक एडवांटेज हमें होता है कि क्योंकि हम बहुत स्ट्रगल करके आते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते आते हैं तो हमें थोड़ा टाइम लगता है मगर फिर हम जो है रवा हो जाते हैं। तो मेन जो इशू है मैंने पहले ही कहा कि यहाँ की जो फैकल्टी है हायर लेवल पर जो फैकल्टी पर्सन हैं प्लस जो आपके लैब रिसोर्सेज हैं आपके जो एजुकेशन जो वे है पढ़ाने का वो बहुत एडवांस है। तो उससे मैं अगर कंपेयर करूँ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के साथ खासकर जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं तो वो बहुत पीछे खड़े हैं इस मामले में। सही है, मतलब वो यहाँ पे जो है वो फैकल्टी भी अच्छी है, रिसर्च का मयार भी बहुत अच्छा है और ये सारी चीजें जी आपकी तरफ भी आएंगी। अब मैं यही सेम क्वेश्चन जो है वो मुस्तफ़ा गुर्गे साहब से करूंगा क्योंकि मुस्तफ़ा आप भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में भी पढ़े हैं, फिर रिसेंटली आप यहाँ पे भी आपने जो है अपनी स्टडी कम्प्लीट की है, तो थोड़ा सा आप बुनियादी फर्क समझा देंगे हमें कि हमारी जो तालीमी इदारे या जो बड़ी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उनमें और यहाँ पे जो आपने स्टडी की उसमें बुनियादी फर्क आपने क्या पाया? बहुत शुक्रिया हुसैन साहब। इससे पहले कि मैं आपके सवाल की तरफ आऊं, मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूंगा इस इनिशिएटिव को क्योंकि मैं समझता हूं इट्स नीड ऑफ द आवर, बहुत ज़रूरी है हमारे यूथ को, ख़ासतौर पे जो रूरल एरियाज में रहते हैं पाकिस्तानी, स्पेशली जिस तरह सदरन पंजाब में या सिंध के देही इलाकों में तो बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लोगों को कोई काउंसलिंग नहीं होती, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, बस हवाओं के रहम करम पर इस तरह चलते रहते हैं, जहाँ किसी को जॉब मिल गई किसी का एडमिशन हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ इंस्टीट्यूशनल लेवल पे करियर काउंसलिंग होनी चाहिए, जिस तरह मुझे याद है आप लोगों ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एक किया कि आपका एक एक्सपीरियंस ना सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन यूरोप में और अमेरिका वगैरह में भी है, तो मेरे ख्याल में शायद यही मोटिवेशन है जो आप इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, इसकी बहुत ज़रूरत है। मैं समझता हूँ हमारे यूथ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मसला सिर्फ यह है कि उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा पढ़ रहा है उसको या कोई बच्ची पढ़ रही है वो ये सोचती है कि अब इसके बाद शायद मैं मास्टर्स कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एमफिल कर लूँ, उसके बाद पीएचडी के वहाँ हज़ार मसले भी हैं, फैकल्टी के इश्यूज भी हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इश्यूज हैं जिस तरह से आल साहब ने फरमाया। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ का जो मयार और जो इंस्टीट्यूशनल लैकिंग है कि स्टूडेंट्स को लिंक कैसे किया जाए रिसर्च इदारों में, वो बहुत बड़ी लैकिंग है। तो उस हवाले से हमारी यूनिवर्सिटीज़ का जिस तरह अपना वहाब साहब ने बताया कि कोई कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ इसलिए नहीं मैं कह रहा कि हम यूरोप में बैठे हैं और मैं यूरोप से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर बोलूँ कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, हकीकतन ये है, मतलब जिसको कहते हैं रियलिटी ये है कि अगर हम दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात नहीं कर रहा, अगर हम टॉप 100 की बात करें, बल्कि मैं दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करूं तो उसमें मुस्लिम ममालिक की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। ये सोचने का मकाम है जो वहाब साहब ने बात की कि हमारा और कोई कंपैरिजन इस तरह का नहीं है, तो हम दुनिया की 200 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं हैं। पाकिस्तान में मतलब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम भी वहाँ से पढ़ के आए हैं, लेकिन जितने भी लोग पढ़ के आए हैं या आगे निकले हैं इंक्लूडिंग वहाब साहब या आप लोग, हुसैन साहब की भी मैं बात करूंगा, माशाल्लाह आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उसमें ज़्यादा किरदार पर्सनल है, लोग ज़ाती एफर्ट्स करते हैं, सारा दिन तगोदो करते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले उसको अवेल किया जाए। तो मेरे ख्याल में जितने भी लोग गए हैं, अगर मैं बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन ना करूं, तो मोर देन 90% आपको वो लोग मिलेंगे जो सेल्फ मेड हैं, जिन्होंने ज़ाती तौर पर बहुत कोशिश की है, इंस्टीट्यूशनल गाइडेंस की बहुत लैकिंग है। तो अगर हम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को देखें, फॉर एग्जांपल आपने भी एमफिल किया है मेरे ख्याल में कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से, तो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी को सबसे अच्छा समझा जाता है पाकिस्तान की जो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो मेरे ख्याल में दुनिया की 800 बेहतरीन यूनिवर्सिटी में भी नहीं आती, उसके भी बाद आती है, वो शायद 1000 यूनिवर्सिटीज़ में आती हो। तो अब इससे अंदाज़ा करें कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वर्ल्ड को अगर कंपेयर करें तो हम कहीं नहीं, वी आर नो वेयर। तो ऐसी सूरत हाल में ये बहुत ज़रूरी है नौजवानों के लिए, ये वेबिनार मेरे ख्याल में एक बुनियादी हैसियत रखेगा, और जिन लोगों ने हमें इस रूम में ज्वाइन किया है या जिन लोगों ने फेसबुक पे देख रहे हैं
उनके लिए मैं अपनी बात को आपके सवाल की तरफ ले आऊँगा। तो एक तो कंपैरिजन का ये फ़र्क है, और जो लोग इधर आते हैं और बहुत सारे लोग इस डर रहे होते हैं कि हमारी शायद लैंग्वेज का बैरियर हो, हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, यूरोप में कैसे पढ़ेंगे या वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमारी बहन ज़ारा ने भी ये बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कुछ लोग वहाँ थोड़ा बहुत भी एक्टिव हैं और ख़ुद पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हैं तो यहाँ ये लोग आपको एक्नॉलेज करते हैं। मुझे याद है मैं वाकनिंगन में पढ़ रहा था तो वहाँ टीचर्स बारहा हमारी क्लासेस में ये डिस्कस करते थे कि आप जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से इधर आए हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से, 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी मुल्कों से लोग आते हैं नैदरलैंड में ख़ास तौर पर, तो वो बता रहे थे यू आर दी क्रीम ऑफ यूर कंट्री। तो अगर आप में से पाकिस्तान के किसी भी कोई इलाके से कोई बंदा निकल के यहाँ आएगा तो वो एक क्रीम होगा, तो उसको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इजीली एडजस्ट हो सकता है। और पीपल हियर आर वेरी मच कोऑपरेटिव, बहुत लविंग केयरिंग, और टीचर हों, यहाँ पढ़ने का स्टाइल कैसा है वो मेरे पास आगे चल के इंशाल्लाह, क्योंकि मैं अपनी बात को तीन हिस्सों में बताऊँगा। एक तो हमने ये बताया कि जो बैकग्राउंड हमारा क्या है और हमें आगे जाने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर हैं। तो मैंने सयाल साहब के प्रोफाइल से देखा कि शायद वो क्रोनिगन से पढ़ रहे हैं। मैंने एक छोटा सा कोर्स किया था लैंग्वेज का क्रोनिगन से, तो मुझे पता चला क्रोनिगन दुनिया की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ है उसमें शामिल होती है। तो क्रोनिगन यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी है, आप उनसे मिलें, मतलब यू विल बी एस्टोनिश, इट्स अमेजिंग यूनिवर्सिटी। इवन जो वाकनिगन जहाँ से मैंने कोर्स किया, वाकनिगन यूनिवर्सिटी अपने एग्रीकल्चर, फूड और न्यूट्रिशन के हवाले से दुनिया की मेरे ख्याल में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। तो इस तरह की यहाँ पे इदारे हैं इतने छोटे से मुल्क में। आप यूँ समझे नैदरलैंड को अगर हम फोकस करें, पूरे यूरोप को ना, तो नैदरलैंड की कुल आबादी मेरे ख्याल में कोई 17.5 मिलियन होगी, तो पूरे कराची की आबादी कोई 22 मिलियन है। तो कराची जो है वो नैदरलैंड से बड़ा है, लेकिन इतने छोटे से मुल्क में रिसर्च की 14 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और बाकी जो जिसको हम कहें जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी तादाद जो है वो प्राइवेट को छोड़कर वो 40 के करीब है। तो यहाँ पे क्यों पढ़ना चाहिए, पहली बात तो ये था, और दूसरा आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि नेदरलैंड में और क्या बातें हैं जहाँ पे पढ़ा जा सकता है और अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं। तो दो हिस्सों में हम आगे इंशाल्लाह बात करेंगे और बाकी जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज का तरीकेकार क्या है, उस पर इंशाल्लाह बात होगी। जी 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 बिल्कुल, आपकी तरफ आते हैं। तो अब मैं अगेन जो है वो ज़ारा की तरफ जाऊंगा। ज़ारा, जो आप वहाँ पे स्टडी कर रही हैं, तो हमने सुना है कि वहाँ पे स्टडी के साथ साथ 50% या उससे थोड़ा कम ऊपर नीचे जो है वो प्रैक्टिकली फील्ड वर्क के तवस्सुत से जो है वो सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को, तो आप थोड़ा शेयर करेंगी कि स्टडी के अलावा सिखाने के और कौन से टूल्स और टेक्निक्स जो है वो यूज किए जाते हैं बच्चों को, स्पेशली आपके ग्रेड के बच्चों को। माइक ओपन करें, माइक आपकी शायद आवाज सही नहीं आ रही, माइक आपकी। आवाज नहीं आ रही अभी भी आपकी, म्यूट तो नहीं हो गई, थोड़ा सा चेक कर लें जी। जब तक आवाज आ रही है अब, हाँ नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, हम ये देख सकते हैं कि आप बात कर रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, मैं मुस्तफ़ा की तरफ जो है वो मुस्तफ़ा आप हमें बताएं, जिस तरह से आप बात कर रहे थे जब तक टेक्निकल इशू रिजॉल्व हो जाए, वहाँ और ज़रा की तरफ यूथ के लिए स्कॉलरशिप्स जो हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो अफोर्ड कर सकता है वो तो क्लास जो है वो सेल्फ फाइनेंसिंग पे अपने पैसों पे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी पढ़ सकती है, लेकिन जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं या जो गरीब जो हमारा वर्किंग क्लास है उनके जो बच्चे दूर दराज के इलाकों के जो बच्चे अगर नीदरलैंड में या यूरोप के बाकी मुल्कों में स्टडी के लिए आना चाहें तो वो स्कॉलरशिप के लिए
सबसे पहले तो उनको प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए और दूसरी अपॉर्चुनिटीज जो है वो कौन सी किस किस्म की अवेलेबल है, ये थोड़ा सा बताएं। जी आप अपनी माइक ओपन कर दें, मुस्तफा माइक ओपन कर दें। मेरे ख्याल में ये बहुत मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन है कि हमारे बच्चों को ये एक तो पता कैसे चले और फिर अवेल किस तरह करें। अब ये यूरोप में जनरली और स्पेशली नेदरलैंड में स्कॉलरशिप्स इतनी हैं कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो खाली ही जाता होगा। और कुछ दोस्त हैं हमारे वाहब साहब की तरह कुछ बहुत ही कम आते हों, हम जहाँ पे भी पाकिस्तानी लोगों की गेट टुगेदर होती है और हमें नहीं लगता कि हमारे लोग आ पाते हैं क्योंकि पता नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं ख़ास तौर पे। अच्छा, यहाँ पे स्कॉलरशिप्स के दो तीन कैटेगरीज हैं। एक वो जो शॉर्ट कोर्सेज के लिए होती हैं, वो शॉर्ट कोर्स 2 हफ्ते से लेकर 1 साल तक का हो सकता है। तो मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल शॉर्ट कोर्सेज हैं, अपने टेक्निकल होते हैं, और कुछ बैचलर्स के लिए हैं बहुत कम, लेकिन मास्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं और पीएचडी के लिए। अच्छा, दूसरी बात यह कि उसके क्या लिंक्स वगैरह हैं वो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे और आप अपने साथियों से और फेसबुक पे भी आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर जहन में रखनी चाहिए हमारे नौजवानों को कि बग़ैर किसी वेट के इंतज़ार के कोई हमें स्पून फीड करे, क्योंकि स्पून फीडिंग जो है वो लास्ट लॉन्ग नहीं करती कि आपको हमेशा कोई चीज़ आके हाथ से पकड़ के बताए, करनी खुद पड़ती है। आप जैसे दोस्त, हमारे जैसे जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, लिंक्स दे दें हर यूनिवर्सिटी में। आपने अगर नेदरलैंड को फोकस करना है, क्यों फोकस करना है उस पर मैं आप छोटी सी एक वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपने नेदरलैंड को फोकस किया तो आप लिखेंगे नेदरलैंड की यूनिवर्सिटीज़, आप अपना डिसिप्लिन लिखेंगे कि मैं अगर केमिस्ट्री है, कोई माइक्रोबायोलॉजी में कर रहा है, कोई डेवलपमेंट स्टडीज़ है, वॉट एवर द केसेस, लॉ में कोई कर रहा है, तो उससे रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज़ 2-3 देख ले और उसमें सब कुछ क्लियरली लिखा होता है। और ये बहुत ओपन लोग हैं, सियाल साहब इसकी तस्दीक करेंगे, क्योंकि आपको हर चीज़ वहाँ पे मिल जाती है कि ये करें, आपको कितना आइल्स अगर किया हुआ है तो उसका मिनिमम अगर आपका एवरेज 6 तक भी अगर आता है तो मेरे ख्याल में मास्टर्स के लिए आपको एडमिशन्स मिल जाते हैं और पीएचडी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसी तरह टॉफिल के भी कंप्यूटर बेस्ड है या पेपर बेस्ड है तो उसकी रैंकिंग्स वगैरह बहुत आसान है। और आइल्स वगैरह करना इतना इशू नहीं है हमारे पाकिस्तान के लोगों में को, क्योंकि बेसिक शुरू से ही अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है। हमारा एटमॉस्फेयर जनरल जो हमारी टर्मिनोलॉजी होती है वो अंग्रेज़ी में चल रही होती है एज़ कम्पेयर टू अदर अफ्रीकन कंट्रीज़, या अगर हम मिडिल ईस्ट वगैरह देखें तो वहाँ पर अंग्रेज़ी इतनी नहीं आती, उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। और हमारे बच्चे अगर आइल्स वगैरह कर लेते हैं तो कोई वजह नहीं है कि वो स्कॉलरशिप विन ना कर सकें। बेतहाशा स्कॉलरशिप्स हैं पाकिस्तान में, ऑरेंज नॉलेज प्रोग्राम OKP जिसको कहते हैं उसके तहत बहुत ज़्यादा हैं, हॉलैंड स्कॉलरशिप्स हैं, नेदरलैंड की मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो सिर्फ वो कहते हैं ना, वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, अगर वो ये तहिया कर लें, ये यकीन कर लें कि हमने बाहर पढ़ना है, और बाहर से पढ़ने के बाद योर प्रोफाइल बिकम्स वेरी मच स्ट्रॉन्ग। आप जब दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल कम्यूनिटी के साथ मिलकर जब आप रिसर्च का काम करते हैं, या जिस तरह आपने बहन जारा से पूछा कि प्रैक्टिकल हमारे यहाँ पे कोर्स में भी मेरे ख्याल में अगर आधा नहीं तो कम से कम 40% तो हमारा फील्ड वर्क होता था। तो फील्ड में आपने जाके जब खुद काम करते हैं तो आप उस, क्योंकि ये हाईली टेक्नोलॉजी का मुल्क है तो यहाँ से आप जो चीज़ें सीख के जाते हैं अपने मुल्क में, आप यकीनन एक बड़े बैगेज के साथ, लगेज के साथ जाएंगे, अपनी नॉलेज के लगेज के साथ। तो मेरे ख्याल में इस तरह बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अवेल की जा सकती हैं। और यहाँ पे पीएचडी के लिए बल्कि पैसे देते हैं, आप हमारे स्टूडेंट्स जो पीएचडी करना चाहें वो ये ना समझें कि वहाँ पीएचडी करेंगे फिर रहेंगे कैसे। अच्छे खासे मेरे ख्याल में, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, वहाब साहब ज़्यादा उसको क्लियर करेंगे, कि 2000 यूरो के लगभग मिल जाता है इनको। तो 2000 यूरो आप समझते हैं पाकिस्तान में अगर काउंट करें तो आपके मेरे ख्याल में कोई 3 लाख से 3.5 लाख तक जाके पहुंची है। तो कहने का इतने पैसे भी साथ में मिल रहे होते हैं, तो पढ़ना यहाँ पे कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ विलिंग, जिसको कहते हैं कि आपकी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया मुस्तफा, आपकी तरफ आएंगे। जी जारा, अब आपका मेरे ख्याल में माइक। हाँ जी जी, तो वही जो मैंने क्वेश्चन किया था आप उसका जवाब दें कि स्टडी के साथ और कौन से टूल्स के जरिए या स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है।
सबसे पहले तो आई थिंक कि जिस तरह हमें टेक्स्ट बुक्स मिलती हैं और जिस तरह हमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम लोग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो टेक्स्ट बुक से एब्जॉर्ब करें, लर्न करें और फिर उसका टेस्ट दें. लेकिन सिर्फ इसी इस पर डिपेंडेंट नहीं होती एजुकेशन. टेक्स्ट बुक की इंफॉर्मेशन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल रिसर्च वर्क. हमें जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसमें हमें ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा या इंडिविजुअली भी हमें कहा जाएगा कि हम लोग इस पर रिसर्च करें और ज़्यादा. एंड आई पर्सनली फाइंड कि जब मैं किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करके एक ऐसे लिखूं या इन्वेस्टिगेशन जो है वो अपनी बनाऊं, तो मुझे ऑटोमेटिकली मेरे जहन में वो सारी चीज़ें बैठ जाती हैं. और जब मैं टेस्ट उसका देती हूँ तो जो टेस्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं होते कि चलें ये आपने चीज़ें पढ़ी हैं और अब आप इसको एक्सप्लेन करें. मुझे जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत क्रिटिकल होते हैं, बहुत ट्विस्टेड होते हैं, उनके लिए एक्चुअली बहुत थिंक करना पड़ता है और उस वक्त वो सारी रिसर्च बहुत काम आती है. और उसके साथ साथ जिस तरह साइंसेज हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें हमें हमारे बहुत ज़्यादा लैब वर्क्स होते हैं और उन लैब वर्क्स में आधी चीज़ें जो है वो टीचर हमें खुद ही बताते हैं कि हमें किस तरह कैरी आउट करना है और जो आधी चीज़ें वो हमें खुद डिज़ाइन करनी होती हैं, खुद अपने आप से एक्सपेरिमेंट करना होता है और हाइपोथेसिस वगैरह निकालनी होती हैं और इवेलुएट करना होता है अपने रिजल्ट्स को. और टीचर्स एक्चुअली अप्रिशिएट करती हैं कि हमारा अगर अच्छा नहीं आता तो हम लोग एक्सप्लेन करें कि अच्छा क्यों नहीं आया, उसको हम लोग प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करें. और जो जिन टॉपिक्स के फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो सकते उसके टीचर्स जो हैं हमें कंप्यूटर सिमुलेशंस जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं और हमें इनकरेज करते हैं कि हम उससे उसको एक्सप्लोर करें और देखें कि वो किस तरह वर्क करता है. और ये वाली जो चीज़ है वो हर सब्जेक्ट में होती है. इंग्लिश और हिस्ट्री फॉर एग्जांपल, उसमें कहा जाता है कि हम लोग रिसर्च करें, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को एनालाइज करें. मैथ्स में हमें कहा जाता है कि हम लोग इन्वेस्टिगेट करें, देखें कि डिफरेंट लोगों ने किस तरह प्रूव करने की कोशिश की थी. साइंसेज में एक्सपेरिमेंटेशन जिसका मैंने बताया था, और इस तरह करके डिफरेंट ये वाले टूल्स दिए जाते हैं ताकि जो बच्चा है वो डिफरेंट तरीकों से उसको एनालाइज कर सके और जब वो टेस्ट देने बैठे तो टेस्ट के जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चंस हों तो वो जो है डिफरेंट वे से उन क्वेश्चंस को देख सके और एनालाइज करके फिर आंसर लिखे. तो किसी भी चीज़ का नॉर्मल सिंपल हम आंसर्स नहीं दे सकते उस तरह से. जी बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया. मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा और हमारे साथी जिनको क्वेश्चंस करने हैं वो अगर चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख दें ताकि उसके बाद मैं सबको कॉल कर सकूं और अपने ब्रीफ क्वेश्चन भी हमारे पार्टिसिपेंट से करें. मैं वहाब की तरफ आता हूँ. वहाब, आप हमारे यूथ को क्या बताएंगे कि आया वो यहाँ पे आके पीएचडी के लिए ट्राई करें, एमफिल के लिए ट्राई करें या मास्टर्स के लिए ट्राई करें और उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है या नहीं? वही क्वेश्चन जो मैंने मुस्तफा से किया था. तो कितना पोटेंशियल मौजूद है कि हमारा यूथ जो है वो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज को टैप कर सकता है? हाँ जरूर. मैं थोड़ा सा पहले आपको जहाँ मैं रहता हूँ और जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा मैं तारुफ करवाना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि इस यूनिवर्सिटी में कितना बड़ा पोटेंशियल है. तो क्रोनिंग शहर जो है ये तकरीबन इसकी आबादी 2.25 लाख है और यहाँ पर तकरीबन 60,000 स्टूडेंट रहते हैं. तो इट मींस के तकरीबन हर चौथा शख्स जो है यहाँ स्टूडेंट है. और इस शहर की और खासियत ये है कि ये यंगस्टर्स का शहर है, नौजवान बहुत है यहाँ पर और दुनिया जहाँ के स्टूडेंट यहाँ पे हैं. तो ये नीदरलैंड का जो वाहिद शहर है जिसको स्टूडेंट सिटी कहा जाता है. और जो क्रोनिंग यूनिवर्सिटी है ये इस तरह है जैसे हमारे यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी है या कराची यूनिवर्सिटी है या सिंध यूनिवर्सिटी है, इस तरह की यूनिवर्सिटी है मगर ये एडवांस लेवल पर जिसमें दुनिया जहाँ के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं. तकरीबन 45 बैचलर प्रोग्राम्स हैं, 160 जो है मास्टर्स प्रोग्राम है यहाँ पर. और यहाँ पर आर्ट्स, साइंस और मेडिकल सारे जो है डिसिप्लिन कवर किए जाते हैं. तो कोई दोस्त यहाँ पे आना चाहे, इवन वो इकोनॉमिक्स में है या मेडिकल में है या साइंस के किसी सब्जेक्ट में है तो, और इवन आर्ट्स में, इवन ड्रामा और हिस्ट्री, रिलीजियस एंड थियोलॉजी, एवरी सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किया जाता है. तो मगर दूसरी तरफ एक और जो अजीब बात है कि नीदरलैंड की बाकी यूनिवर्सिटीज़ के नस्बता इस यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी स्टूडेंट नमक के बराबर हैं.
बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान से कंपेयरिंग टू इंडिया या चाइना और अदर कंट्रीज और इवन इन नीदरलैंड की बाकी यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स काफ़ी हैं, मगर इस यूनिवर्सिटी में बहुत कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं। और ये बड़ी अजीब बात है कि क्यों इस यूनिवर्सिटी में बहुत कम स्टूडेंट्स पाकिस्तान से आए हैं, शायद इसके बारे में लोगों को पता ना हो। और आपकी मेहरबानी कि इस प्लेटफॉर्म से काफ़ी अब मालूम होगा काफ़ी दोस्तों को कि एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी कोनेगन में है जिसमें आप ट्राई कर सकते हो और इसमें जो बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक तो ये चीज़, नंबर दो, एक दूसरा जो इस यूनिवर्सिटी की खासियत ये है कि नीदरलैंड गवर्नमेंट ने 2016 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम था कि पीएचडी स्कॉलरशिप एक्सपेरिमेंट, जिसमें इन्होंने तकरीबन 2000 पीएचडी स्कॉलरशिप स्लॉट्स जो है वो जो है इसमें दो यूनिवर्सिटीज नीदरलैंड्स की को ऑफर की थी। उसमें से ग्रोनिंगन यूनिवर्सिटी को तकरीबन 850 स्कॉलरशिप स्लॉट्स मिली थी 2016 में, और उसी स्कीम का एडवांटेज लेकर मैं यहाँ पहुँच सका था। और उसमें तकरीबन 2019 को फिर रिव्यू किया गया और ये एक एक्सपेरिमेंट बड़ा कामयाब किया, तो फिर डच गवर्नमेंट ने 650 स्कॉलरशिप्स फॉर पीएचडीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफर की हुई हैं जो 2024 तक चलनी है। तो एक तो ये एक स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है जो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और इसकी जो है फॉर्मेलिटी है वो बड़ी सिंपल है। अगर आप इसको थोड़ा सा ट्रिक के साथ इस्तेमाल करें, स्मार्टनेस के साथ, तो आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप कामयाबी के साथ इसमें आ सकते हैं। इसकी एक है ऑप्शन कि कोई भी मास्टर्स का स्टूडेंट जिसने मास्टर्स की हुई है या एमफिल किया हुआ है वो इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखे, और फिर उसके बाद जिस सब्जेक्ट में इसको मास्टर और पीएचडी करनी है उसके लिए कोई अच्छा सा ये रिसर्च प्रपोजल बनाए और उस प्रोफेसर को जिसको इसने ट्रेस किया है उसको ये अपना प्रपोजल भेजे, और अगर वो प्रोफेसर इसके प्रपोजल से इम्प्रेस होता है और समझता है कि ये प्रपोजल जो है अच्छा है तो वो प्रपोजल वो अपनी फैकल्टी में सबमिट करवा देगा उस स्टूडेंट का। स्टूडेंट को सिर्फ अपना रिसर्च प्रपोजल और सीवी भेजनी है उस प्रोफेसर को, और अगर वो प्रोफेसर कायल हो गया तो और उसने अपने डिपार्टमेंट में भेजी तो यूनिवर्सिटी में जो 650 स्कॉलरशिप स्लॉट्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड हुई हुई है फैकल्टी लेवल पर। तो उसके उसके बाद एक टफ कंपटीशन है, उस एक कमेटी है जो बड़ी मेरिट पर और ट्रांसपेरेंट लेवल पर जो है इसका स्क्रूटनिंग करती है, मगर उसमें चांसेस होते हैं कि आपको, क्योंकि पाकिस्तान से स्टूडेंट्स कम हैं और अगर कुछ अच्छा आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है, तो चांसेस होते हैं कि वो टीचर उसको कंसिडर करे। तो ये एक फर्स्ट फेज होता है, अगर उसने वो क्लियर कर लिया तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि अगले फेजेस में वो क्वालिफाई कर जाए और उसके बाद वो यहाँ पे आ सके। इसके अलावा ये तो थी ग्रोनिंगन यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक सिचुएशन जो बाकी नीदरलैंड्स की यूनिवर्सिटीज के पास नहीं है, ये ऑप्शन जो सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के पास है। इसके अलावा बाकी एक जैसे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, यानी कि डिपार्टमेंट में काफ़ी प्रोफेसर्स हैं उनके पास कोई प्रोजेक्ट्स हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनको उन प्रोजेक्ट्स के लिए कोई रिसर्च पीएचडी स्टूडेंट चाहिए। तो उसमें आमतौर पर होता यह है कि जो ऑलरेडी स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं उनको पता होता है कि ये प्रोजेक्ट आ रहा है या ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और इसमें पीएचडी जो है ना कोई निकली है, पोजिशन निकली है, तो वो अपने दोस्तों को या अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। और इसमें कोशिश ये होती है कि आमतौर पर जो यूनिवर्सिटी यहाँ के प्रोफेसर हैं वो कोशिश करते हैं जिन्होंने मास्टर्स यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी से की हो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं आमतौर पर, मगर चांसेस होते हैं अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है और कोई लिंक है इसके पास। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है खास करे इंडियन या चाइनीज स्टूडेंट्स को, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस मामले में अपने कंट्री के दोस्तों को इंगेज करते हैं और उनके उनको इन्फॉर्म करते हैं और उनके उनको इनसाइट बताते हैं कि किस किस्म का प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट की डिमांड्स क्या हैं, आप किस तरह की सीवी बनाओ, किस तरह का प्रपोजल बनाओ, और उनको उनकी ईमेल्स दी जाती हैं उन प्रोफेसर्स की ताकि आप उनको कोशिश करें, तो इसमें चांसेस होते हैं कि हो जाए। तो दूसरा तरीका ये है जिसमें प्रोजेक्ट बेस्ड पीएचडी पोजीशंस होती हैं, मगर उसमें आपको देखना पड़ता है मुख्तलिफ सिचुएशंस में कि और आप हंट करते हैं कि कहाँ पर कौन सी पोजिशन निकली है। तीसरा तरीका है जो नीदरलैंड गवर्नमेंट का जनरल जो एक मुख्तलिफ स्कीम्स है, जैसे न्यूफिक अपना स्कॉलरशिप प्रोग्राम है नीदरलैंड का जो हर साल स्कॉलरशिप ऑफर करता है, उसमें उसने
मुख्तलिफ कैटेगरीज की रखी हुई हैं पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज के हवाले से, तो पाकिस्तान और उसमें ए और बी कैटेगरी है। तो ए कैटेगरी के जो कंट्रीज हैं वो टॉप प्रायोरिटी पे कंट्रीज हैं जिनको ये ऑफर करते हैं, और कुछ कंट्रीज हैं जो बी कैटेगरीज में आते हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त दो साल पहले तो बी कैटेगरी में था, अब मुझे पता नहीं, मैंने नहीं देखा, तो उसमें बी कैटेगरी के, इवन बी कैटेगरी में होते हुए भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो अवेल करें। मेरी वाइफ थी, उसने इस न्यूफिक के स्कॉलरशिप के जरिए जो है वो स्कॉलरशिप विन की थी, उसने यहाँ से मास्टर्स किया। तो कहने का मकसद ये था कि उसमें खासकर वुमेन या लड़कियों को ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं, क्योंकि यहाँ पर डच गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती है कि जेंडर इक्विटी के हवाले से। और उसके उसमें सिर्फ ये कंडीशन है कि आप मिड करियर प्रोफेशनल हो, या किसी डिपार्टमेंट में, किसी इदारे गवर्नमेंट के इदारे में, या किसी एनजीओ में मे बी के काम कर रहे हो, तो उनकी जो आपका जो एम्प्लॉयर है उसकी रिकमेंडेशन आपको बहुत ज़रूरी होती है उस जो स्कॉलरशिप स्कीम है न्यूफिक के नाम से। और दूसरी कंडीशन उसकी आयल्स का जो स्कोर है 6.5 मिनिमम जो है वो आपको चाहिए होता है, और एम्प्लॉयर का जो आपका रेफरेंस लेटर चाहिए होता है, बाकी जो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो। तो उसमें भी काफ़ी चांसेस होते हैं, पाकिस्तानी काफ़ी स्टूडेंट्स जो है उस स्कीम के थ्रू काफ़ी नेदरलैंड्स की यूनिवर्सिटीज़ में आए हैं, उन्होंने यहाँ से वो अवेल किए स्कॉलरशिप। और तीसरा जो है जो आपके मुख्तलिफ आप अपने लेवल पर जो जो हमारे कंट्री में ऑप्शन है, जैसे एच ई सी है, तो एच ई सी की तरफ से आपकी स्कॉलरशिप कुछ दी जाती हैं, कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनके जो ना कोलेब्रेशन चल रही है। तो इवन हमारी यूनिवर्सिटी के साथ भी एच ई सी का कोलेब्रेशन है। तो हमारे कुछ दोस्त हैं पाकिस्तान से, वो लास्ट ईयर आए थे यहाँ पर, तीन दोस्त आए थे जो यहाँ पी एच डी इनरोल हुए हैं, तो उनको एक मिनिमम तकरीबन 500-600 यूरो पाकिस्तान से मिलता है, बाकी जो सारी जो है स्टिपेंड है वो यहाँ की यूनिवर्सिटी पे करती है। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल पर एक कोलेब्रेशन बना हुआ है पाकिस्तान गवर्नमेंट का, नेदरलैंड की गवर्नमेंट के साथ और इदारों का। तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है कि जो एच ई सी की स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसके तहत आप जो ना जो उनकी जी आर ई वगैरह टेस्ट है वो क्वालिफाई करें, और उससे पहले आप किसी यहाँ की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ आप लिंक करें, तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं। मैंने ये एक चीज़ नोट की है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये कोशिश करती है कि हम बजाय 100% हमारे ऊपर सारा बर्डन आए, स्टूडेंट अगर कुछ पैसे लेके आता है इन टर्म्स ऑफ मिनिमम अपने ट्यूशन फीस है या टोकन मनी है, तो उससे हमें एक ये उसको अच्छा समझते हैं और वो आपको सपोर्ट करते हैं कि ठीक है कुछ वो उनके इदारा उनका जो है ना वो वहाँ से कर रहा है, बाकी हम यहाँ से कर देंगे। तो अगर किसी को नहीं है ऐसा ऑप्शन अवेलेबल, तो वो एच ई सी के जरिए ज़रूर कोशिश करे। मुझे नहीं पता आजकल एच ई सी की क्या पॉलिसी चल रही है और कितने उनके पास फंड्स हैं, वो रेगुलरली स्कॉलरशिप से पोजिशन आ रही है नहीं आ रही, मगर अगर हैं तो हमारे दोस्त ज़रूर उसमें अप्लाई करें और वहाँ की क्वालिफाई करें, वो टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता। वो यहाँ की यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर के साथ आप लिंक डेवलप करें, उनको ई मेल्स करें, अपना प्रोपोजल सबमिट कराएं, और प्रोफेसर को पता होगा कि कुछ पैसे वो लेके आ रहा है, तो यहाँ पर जो है वो उसको उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एडमिशन के। और वंस वो इन हो गया तो फिर उसके लिए बहुत रास्ते हैं, वो अपने खर्चे और दूसरे मामला वो हैंडल कर सकता है। और ये तरीका जो मैंने नोट किया है, चाइनीज गवर्नमेंट भी यहाँ पे जरिए बेतहाशा चाइनीज स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हो, सेम काइंड ऑफ उनकी एक स्कीम है कि वो बहुत मिनिमम पेमेंट करते हैं अपने चाइनीज स्टूडेंट्स को 500-600 यूरो, और बाकी जो है 1500 यूरो ये गवर्नमेंट ऑफ नेदरलैंड्स की यूनिवर्सिटीज दे रही होती हैं। और दूसरे नंबर पर इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन स्टूडेंट्स को मैंने से पूछा उनका क्या तरीकेकार है, इवन वो बेचारे तो पर्सनल लोन लेके आते हैं, वो मुख्तलिफ बैंक से लोन लेकर और यहाँ पर ट्यूशन फीस भरकर, फिर उन्होंने मुझे मैंने उनसे सीखा कि वो क्या करते हैं कि वो एडमिशन ले लेते हैं, किस तरह से अपने फाइनेंशियल मीन्स शो करवाते हैं, वहाँ से अपना बैंक वगैरह से लोन लेके आते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेच के आते हैं। वो उनका ऑप्शन ये होता है कि वो यहाँ पे इन हो जाएं, उसके बाद वो उनके इनका इनकी अच्छी नेटवर्किंग है तो फिर इनको दोस्त भी सपोर्ट करते हैं, इस तरह से वो किसी न किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं 3-4 किस्म के कि कोई दोस्त करना चाहे तो वो आ सकता है यहाँ पर, मगर वही जो है कि इसमें डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए आप, और बहुत कोशिश करनी चाहिए। और मैं एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि रियली अगर कोई भी दोस्त जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो यूथ हैं, वो ज़रूर कोशिश करें, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यानी कि आप ये बड़ा आसान है कह देना, मैंने ज़िंदगी में सीखा है कि हम हमारे दोस्त होते हैं यार ये नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है, यहाँ सिफारिश चलती है, ये है वो है। मेरी सक्सेस का अगर आप राज पूछेंगे तो मैंने इस चीज़ पर कभी यकीन नहीं किया, जहाँ पे 1% भी चांस हुआ मैंने सीवी भेजी होगी, ईमेल की होगी, कोशिश की होगी, तो फिर कुदरत भी आपको साथ देती है। तो कोशिश करती रहनी चाहिए मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ रास्तों से, तो आपको कामयाबी जरूर मिलती है आपको। जबरदस्त, वहाँ आपने बड़ा तफसील के साथ जो है वो
कैटेगरी वाइज हमें बताया कि नेदरलैंड्स में स्कॉलरशिप की यूथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और उनका क्राइटेरिया क्या है, वो भी बड़ा तफसीली बताया है। तो जितने भी हमारे साथी सुन रहे हैं तो वो मोटिवेट भी हुए होंगे, उनसे हम क्वेश्चन भी लेंगे। मैं अब जारा की तरफ आता हूँ। जारा बेटा, आप यहाँ पे शायरी भी करती थी, हमें सुनाती थी, मुख्तलिफ जो है ना आपकी सरगर्मी, आप एक्टिविटीज करती थी वहाँ पे, पढ़ाई स्टडी के अलावा आप और क्या करती हैं ये हमें बताएं। यहाँ पर बेसिकली मैं पहले ये कन्फेस करना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा स्टडीज में ही रहती हूँ, क्योंकि जो मैंने सब्जेक्ट्स अपने लिए चूज किए हैं बहुत चैलेंजिंग है, बहुत डिमांडिंग है, लेकिन साथ में जो प्रोग्राम है वो खुद ही मुझे डिमांड करता है कि मैं स्पेशली कास्ट में पार्ट लूँ, विच इज बेसिकली क्रिएटिविटी एक्टिविटी सर्विस। अगर मेरे मिनिमम 30 कास्ट एक्सपीरियंसेस नहीं हुए अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट तो मुझे जो मेरा डिप्लोमा है वो नहीं मिल सकता। तो उस कास्ट की वजह से मेरे मुझ पर लाजमी हो गया कि मैं इस तरह की क्रिएटिविटी और सर्विस एंड एक्शन में पार्ट लूँ। तो उसके लिए मैं ये करती हूँ कि मैंने स्कूल में डिफरेंट क्लब्स ज्वाइन किए हुए हैं, जिस तरह स्पोर्ट्स क्लब्स हो गए, डिबेटिंग क्लब्स हो गए। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, जिस तरह हमारे जो स्कूल मैगजीन है उसमें डिफरेंट बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, पोम्स लिखते हैं, मैं उसके लिए वो करती हूँ। ऊपर से फिर मेरे कुछ सोशल मीडिया पेजेस हैं जो मैंने मेंटेन किए हुए हैं, जिस पर मैं अपने आर्ट वर्क्स और पोइट्रीज लिखती हूँ। और फिर जो है MUNs हैं और इसी तरह ही डिफरेंट चैरिटी प्रोग्राम्स हैं जिनमें हमें बेक सेल्स वगैरह ऑर्गेनाइज करनी होती हैं। तो फिर स्कूल के जब मुझे थोड़ा पढ़ाई का कम लोड होता है तो मैं ये फ्रॉम टाइम टू टाइम ये वाली चीज़ें करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ना सिर्फ ये एक्सपीरियंसेस करने होते हैं बल्कि इनको रिफ्लेक्ट भी करना होता है कि मैंने क्या किया, कैसे किया, इससे मैंने क्या सीखा, मैं नेक्स्ट टाइम क्या बेहतर कर सकती हूँ। तो जो मेरा एजुकेशनल सिस्टम है वो डिमांड करता है कि मैं ये वाला सारा करूँ, तो उसकी वजह से वो भी प्रेशर होता है कि मैं करती रहूँ, मुझे हेल्प करता है काफी ये वाला। ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तानी ड्रामे भी देखती हूँ। इसका मतलब ये कोई यहाँ पर हम हैं तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करें, हम बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह हैं, हमें जो है वो सैडनेस भी होती है और अपना होम सिकनेस भी होती है, अपनी कंट्री को मिस करते हैं तो हम टाइम भी जाया करते हैं, वो सारे हरकतें करते जो पाकिस्तानी करते हैं। हम लोग नहीं है, बहुत आम लोग हैं, तो वो सारी जो आदत है अच्छी और बुरी हम में है, और मगर हमारे जहन में ये क्लियर है कि हम एक टारगेट के साथ आए हुए हैं, हमें वो टारगेट जरूर पूरा करना है। बिल्कुल एग्जैक्टली। मेरा आखिरी सवाल है जारा से, फिर पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन लेंगे और मुस्तफा साहब की तरफ आएंगे। जारा, फ्यूचर प्लान्स क्या है, ये जो डिप्लोमा करने के बाद आपने क्या सोचा है आगे अपने करियर को परसू करने के लिए? मैं बचपन से ही एस्ट्रोफिजिसिस्ट की जॉब को परसू करना चाहती थी, तो अब यहाँ पे मेरे लिए उस हवाले से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जो पाकिस्तान में बहुत कम है। तो मैं पहले काफ़ी वरी थी, क्योंकि मुझे बचपन से ही था कि मैंने एस्ट्रोनॉट बनना है। यहाँ पर मेरे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिस तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैं यहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें मैं अप्लाई कर सकती हूँ और इस करियर को परसू कर सकती हूँ। तो मेरा यही है जो है डिप्लोमा के बाद ये प्रोग्राम वो प्लान है कि मैं देखूँ, ट्राई करूँ कि मेरा इसी फील्ड में मेरा हो जाए, मैं इसकी हायर स्टडीज कर सकूं, क्योंकि जो ये वाली फील्ड है वो डिमांड करती है कि मेरी जितनी ज़्यादा इस पर रिसर्च होगी उतनी मुझे अच्छे प्रोफेशन मिलेगा इस पर। तो मेरा यही वो प्लान होगा कि मैं बैचलर्स करूं, उसके बाद मास्टर्स, उसके बाद PhD, और उसके बाद देखूं कि मैं कौन सा जाना चाहती हूँ, कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहती हूँ इसी फील्ड में। अगर अबू आपको कहें कि ये सारी चीजें आप पाकिस्तान से चल के आप करें तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा, आप अबू को क्या कहेंगी? अब थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो डिपेंड भी करता है कि मुझे स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल जाती हैं नहीं, लेकिन पापा हमेशा यही मुझे कहते हैं कि अगर आपको कुछ करना होता है तो वेज हमेशा होते हैं, बस आपको ये रेडी होना चाहिए कि आपने करना है। तो अगर मुझे पाकिस्तान से करना पड़ा तो आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं
जिससे मैं बैचलर्स कर सकती हूँ. फिर मैं ट्राई करूँगी कि मैं कहीं और से मास्टर्स या पीएचडी परसू करूँ, और उसके बाद देखूंगी, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जो अभी स्प्राउट हो रही है. स्पेशली अमेरिका वगैरह में काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट फर्म्स हैं जो कि परसू कर रहे हैं स्पेस ट्रैवल्स को, और कहा भी जा रहा है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में वो मार्स को देखेंगे कि मार्स में हम लोग रह सकें और इस तरह करके. और इवन अभी मैंने ये सुना था कि पाकिस्तान में भी एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जो लॉन्च कर रही है कुछ. तो आई थिंक के काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड कि जिंदगी में क्या आता है आगे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बहुत ही अच्छी डिस्कशन रही है. कुछ क्वेश्चंस भी है. रुखसाना मुबारक, आप ने अपना कोई क्वेश्चन करना था, प्लीज अगर ब्रीफ क्वेश्चन आप कर दें. माइक जी, रुखसाना आपको आवाज आ रही? माइक ओपन करें रुखसाना, आप अपना माइक बंद है. रुखसाना को शायद आवाज नहीं आ रही. इकरा हुसैन ने कोई क्वेश्चन है. इकरा आप अपना क्वेश्चन पुट करें तो माइक ओपन करके. शायद टेक्निकल प्रॉब्लम जो है सबको हमारे साथियों को आ रहे हैं. काफी चैट बॉक्स में तो मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, काफी दोस्तों के आए हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि सोर्स जो है, मुख्तलिफ सोर्स जो हैं वो भी हमारे साथ शेयर करें, जो वेबसाइट्स हैं या जो जिस तरह की डिस्कशन आपने बताई है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में वो सारी. फरवा भी कह रही हैं कि वो भी अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगी. वो फरवा हमारे साथ जर्मनी से हैं और वहाँ पे वो मास्टर कर रही हैं, उनका ताल्लुक हैदराबाद से है. तो वो भी अपने जो है वो एक्सपीरियंसिस शेयर करें. जी मैं मुस्तफ़ा साहब की तरफ अब आता हूँ. मुस्तफ़ा साहब आप शेयर करें, जिस तरह से मैंने वहाब से और जारा से पूछा कि क्योंकि जिंदगी का बहुत बड़ा अरसा आपने यहाँ पे गुजारा है, आप इस वक्त आप नीदरलैंड में रह रहे हैं, तो आपने स्टडी का भी बताया, एजुकेशन का, टीचर्स फैकल्टी, इन तमाम चीज़ों को बताया, लेकिन थोड़ा सा आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. जो यूरोपियन सोसाइटी है वो किस तरह से है, कहते हैं कि वो 200 साल एडवांस है हमारा जो जो एशियन सोसाइटी है उससे, तो आपके अपने एक्सपीरियंसेस क्या हैं कि उनमें क्या, कौन सी एडवांसमेंट है, क्या बेहतर चीजें हैं हमसे? सर अभी मेरे कनेक्शन है, हां जी मैं क्वेश्चन पूछना चाहूं और साथ ही रिलेट अगर कर ले तो. एक मुस्तफा साहब जवाब दे दें फिर आप क्वेश्चन कर दें. मुस्तफा साहब अभी आ गए. मुस्तफा साहब इसका उससे रिलेटेड ही सवाल है, फिर वो भी मिलकर जवाब दे दें. मेरा क्वेश्चन जो था मैं ये पूछना चाह रही थी कि पाकिस्तान में जो कि आप लोग ज्यादा इससे रिलेटेड हैं, आप लोगों के वर्क भी ज्यादा है, अच्छा किया कि आप लोग एक शेयरिंग कर रहे हैं, उसके लिए बड़ी बेनिफिशियल साबित हो सकती है ये, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहते हैं. मेरा क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज हैं या अकेडमीज हैं उनमें किस हद तक ये कैरियर काउंसलिंग की जो है फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो हमारी यूथ को गाइड कर सकेंगे कि आप अगर कहीं जाना चाहते हैं, कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस तरह के कितने प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं. मेरा आप सबसे ये क्वेश्चन होगा जो रिलेटेड. जी मुस्तफा साहब. मेरे ख्याल में इस सवाल का ज़्यादा जो मुफसिल और बेहतर जवाब तो हुसैन साहब ख़ुद दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की कैरियर काउंसलिंग की है. मुझे भी कुछ पंजाब की लेकिन ज़्यादातर सिंध की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के सेशंस करने का हुआ है. मेरे ख्याल में जो डिफरेंट NGOs काम कर रही हैं, मुझे एकेडमिया की तरफ से ज़रूर होता है, क्योंकि मैंने भी 2 मास्टर्स किए पाकिस्तान से ही, तो वहाँ कभी कभार ये होता था कि साल में या 2 साल में कोई एक दफ़ा कोई इस तरह के इदारे आ जाते थे जो डिस्कस करते थे कि भाई आप अगर ये पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर में. वो ज़्यादातर जॉब के हवाले से होते थे कुछ कंपनीज़ की तरफ से, लेकिन मैंने कम से कम मेरे होते हुए मैंने नहीं देखा कि कुछ लोग आके उन्होंने ये हमें सेशन दिए हों या कोई कैरियर काउंसलिंग प्रोफेशनल काउंसलिंग की हो विध रेस्पेक्ट टू हायर एजुकेशन, कि अब आगे आके आपने क्या करना है, रिसर्च प्रपोजल किस तरह बनाना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए सपोर्टिव हो सकती हैं. तो ऐसा कम से कम मेरे तजर्बे में नहीं आया. हो सकता है कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ करती हों, उसमें हुसैन साहब ज़्यादा ऐड करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो काम कर रहे हैं इसमें मैंने देखा है वो NGOs कर रही हैं.
मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में वो एनजीओज जिनका फोकस एजुकेशन पे है या उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की ये डिमांड होती है कि वो यूथ को इन्वॉल्व करें, तो वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाके इस तरह के सेशंस करते हैं जिसमें बहुत सारी गाइडेंस मिलती है हमारी यूथ को, स्टूडेंट को। अब मैं हुसैन साहब के सवाल की तरफ आऊँगा कि यहाँ की जो सोसाइटी और एडवांसमेंट, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है हमारी सोसाइटी और यहाँ के हवाले से अगर हम देखें, आप इससे समझ लें, क्योंकि क्रोनिंगन का काफ़ी तारुफ हम बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाती तौर पे मैं भी काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ उस शहर से, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कराची में या इस्लामाबाद में तो खैर हो सकता है, लाहौर में भी बहुत कम, लेकिन स्पेशली कराची जैसे शहरों में या हैदराबाद में आप तस्वर कर सकते हैं कि आप आपके बच्चे शाम को घर से निकलकर साइकिल लेके बाहर चले जाएं या आप साइकिलिंग कर सकें। क्रोनिंगन वर्ल्ड साइकिल सिटी है मेरे ख्याल में। वहाँ अजीब बात यह है कि अगर आप कार के ज़रिए सिटी सेंटर का चक्कर लगाते हैं तो शायद आपको आधे घंटे से 25 मिनट लगें, अगर आप साइकिल से जाते हैं तो आप 10 मिनट में कर सकते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल जो इनकी डेवलपमेंट है, नेदरलैंड के एक छोटे से गांव में चले जाएं, एक बड़े से शहर में चले जाएं, साइकिल ट्रैक्स अलग से बने हुए हैं, साइकिलिंग को प्रायोरिटी दी जाती है कारों के ऊपर, पैदल की प्रायोरिटी और ज़्यादा है, यहाँ हर बंदे को देखें किसी न किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। और हमें खुद, जिस तरह ज़ारा ने भी बताया कि मुख्तलिफ उनका काम डिमांड करता है कि आप सोशली एक्टिव रहें और इस तरह अपने आप को रिक्रिएट करते रहें, तो इस तरह यहाँ पे बेतहाशा एक्टिविटीज़ होती हैं, गेट टुगेदर हो रही होंगी, कभी किसी पॉलिटिक्स पे डिस्कशन हो रहा है, कभी कोई चैरिटी के काम हो रहे हैं, कभी कोई रिलीजियस भी इवन हो रहा है, मसलन क्रिसमस है तो उसको लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों को विश कर रहे हैं। तो जो सोसाइटी में एक किस्म की डाइवर्सिटी अगर देखनी हो, मेरे ख्याल में यूरोप में अगर हम पूरे यूरोप को देखें तो शायद नीदरलैंड वाहिद कंट्री है जो सबसे ज़्यादा अकोमोडेटिंग है फॉरेनर्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी, या वैसे भी जो फॉरेनर्स हैं इंटरनेशनल सिटीजन मुख्तलिफ मुल्कों के इधर आते हैं, तो यहाँ सबको अकोमोडेट किया जाता है। और सबसे बेहतर बात यह है कि यहाँ तकरीबन हर बंदा अंग्रेज़ी बोल सकता है, तो उस हवाले से जो पाकिस्तान से या कहीं से भी कोई स्टूडेंट आता है तो उनको ना लैंग्वेज बैरियर का कोई सामना करना पड़ता है और ना किसी और तरीके से वो अपने आप को रिक्रिएशन से कोई दूर रख सकता है। एक तो ये एडवांसमेंट की अगर बात करें तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, इससे आप समझ जाएंगे जनरली कि ये कितना एडवांस लोग हैं। मेरे ख्याल में 2/3 ऑफ द नीदरलैंड इज बिलो द सी वाटर, जो सी लेवल है उससे 2/3 हिस्सा जो नीदरलैंड का वो नीचे है। मतलब इनका अगर हम इरिगेशन सिस्टम और ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम को सिर्फ देखें, क्योंकि मैंने हाइड्रोलॉजी पढ़ी हुई है तो उस हिसाब से मैं ज़्यादा कंसर्न था इन चीज़ों को देखते हुए जब मैंने इनकी टोपोग्राफी देखी। यानी यहाँ पे एक मजाक कहा जाता है कि अगर कोई 6 सेंटीमीटर तक ऊंची जगह है तो ये उसको भी पहाड़ कहते हैं, यानी पहाड़ नहीं है और बहुत लो लाइंग एरिया है, और इसका 2/3 हिस्सा जो है वो समंदर से नीचे सतह है। तो समंदर की सतह से नीचे होने की वजह से अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर या सीवरेज सिस्टम ठीक ना होता तो आप यकीन कीजिए कि 6 महीने बहुत बड़े हैं, ये आधा नीदरलैंड डूब सकता था। लेकिन सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे हर आधे घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, आजकल तो खैर मानसून है, पता भी नहीं चलता कि कितनी बारिशें हो रही हैं, हम कभी पानी का, जिसको कहना कि चुल्लू बराबर पानी भी कहीं कहीं पर स्टॉप होते हुए नहीं देखते। ये इनका ये सिस्टम है, मॉडर्नाइजेशन इनकी ये है। एक ये भी बहुत मशहूर है कि वो कहते हैं कि पूरी दुनिया खुदा ने बनाई है लेकिन नीदरलैंड हमने बनाया है। इट मीन्स नीदरलैंड की जो डेवलपमेंट है उसमें इन लोगों, ये लोग कितना उसको ओन करते हैं और कितना एडवांस्ड हैं। तो कंपेयर करें एशियन कंट्रीज को तो मतलब कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए, इतने एडवांस लोग हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही बात है। एम्स्टर्डम जो उनका इकोनॉमिक कैपिटल है कहते हैं, वो पूरा रिक्लेम किया हुआ जो है वो शहर है। जी फरवा, आप कोई क्वेश्चन करना चाह रही थी, अपना माइक और वीडियो ओपन करें और क्वेश्चन करें, उसके बाद अनीला आप भी क्वेश्चन करें, अगर हिमायल करना चाहती हैं तो वो भी रेडी रहें, क्योंकि हमारे पास अब 5 मिनट हैं, हमने अपना टाइम जो है वो जो लिया था वो बिल्कुल ख़त्म होने को। जी फरवा, अनीला आप कर लें क्योंकि आपकी माइक जो है वो ओपन है शायद। फरवा जी,
Hello everyone. Thank you very much for organizing very informative webinar. Especially thanks to Zara. She is the most youngest girl and is studying in there. मेरा सवाल ये था आप सब से कि हम लिंक्स तो शेयर करते हैं या इन्फॉर्मेशन हमें वेबसाइट से मिल जाती है या जैसे कि आपने हमें बता दिया कि रिसर्च प्रपोजल लिखना है सीवी देनी है ये सब आइडियाज़ आते हैं डेवलप होते हैं लेकिन हमें फिर भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है उस वक्त अप्लाई करने के लिए उनका जो एक प्रोसीजर होता है उसमें हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है तो मैं ये चाह रही थी कि अगर आप लिंक्स शेयर करते हैं उसके बजाय ये भी करें कि एक ग्रुप्स बना दें फिर वो फेसबुक पर हों या व्हाट्सएप पर हों लेकिन कुछ अगर जो स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टडी करना चाहते हैं तो आप उनको थोड़ा और गाइड कर सकें उस प्रोसेस के हवाले से सिर्फ लिंक ना शेयर कर दें लिंक तो हमें हर वेबसाइट से मिल जाते हैं अगर आप थोड़ा और उनको शेयर कर देंगे गाइडेंस दे देंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा थैंक यू मैं अनीला काफ़ी डिटेल के साथ वहाब ने सवाल का जवाब दिया है कि प्रोसेस और क्राइटेरिया क्या है जिसको जो है वो करेंगे तो नेक्स्ट सेशन में हम होपफुली फिर फर्दर प्रोसेस में जो है ना वो बात करेंगे क्योंकि हमारा टाइम भी कम है जी फरवा आप जल्दी से ब्रीफ क्वेश्चन कर दें जी बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा साहब हैं आप सब मेरे सवाल जो रिलेटेड हैं बिकॉज़ आई एम डूइंग मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस हियर इन जर्मनी सो दे आर अबाउट माय फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज वेदर इन जर्मनी और नीदरलैंड्स सो आई वुड लाइक टू नो द इमर्जिंग रिसर्च टॉपिक्स फॉर इंस्टेंस आई वुड लाइक टू डू माय मास्टर थीसिस I was looking for some topics, maybe related to clean energy, a combination of economics like development economics. So what would you suggest? What are the key topics that I could pursue and which could also help me to do PhD in Europe? मैं इसमें आपको रिस्पांस करूंगा जी वाह यहाँ पे कुछ मेरे दोस्त हैं जो इस यूनिवर्सिटी में पूरा एक पूरी फैकल्टी है इकोनॉमिक्स की तो उसमें भी आप रिसर्च कर सकती हैं नंबर दो जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ एनर्जी एकेडमी यूरोप जिसमें मैंने नोटिस किया है कि एनर्जी से रिलेटेड आपके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ रिसर्च हो रही है इवन साइकोलॉजी सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनर्जी ट्रांजिशन सर्कुलर इकोनॉमी तो बेहतरीन टॉपिक्स और इवन एनर्जी एंड सोसाइटी के हवाले से भी तो आप अगर थोड़ा डिटेल में मुझे हुसैन से मेरी ईमेल ले लीजिएगा तो आप काइंडली मुझे भेजिएगा अपना आपका मेन थीम क्या है आपके सब्जेक्ट किस पे किए हैं तो मैं आगे रेफर कर सकता हूं आपको उन दोस्तों के साथ उन प्रोफेसर से लिंक कर सकता हूं जहां पे आपको बेहतर गाइडेंस मिल सके ये मैं कर सकता हूं थैंक यू सो मच वाहब साहब थैंक यू हिमायल आप कोई सवाल करना चाहेंगे अस्सलाम वालेकुम जी बिल्कुल मैं क्वेश्चन करना चाहती हूं और सबसे पहले तो थैंक यू ज़ारा का मुस्तफा साहब का और आप चारों लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों ने और दूसरा मैं क्वेश्चन ये करना चाहती हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ओकेपी स्कॉलरशिप के साथ लेकिन जब वीजा प्रोसेस आता है तो हम जो मिडिल क्लास या इससे बिलो रखते हैं कोई प्रॉपर्टी नहीं होती नाम पर या ये वो लेस होमटाइज होते हैं तो वीजा प्रोसेस में बहुत मुश्किल आती है स्टूडेंट वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है तो इसका क्या सलूशन है कि कैसे इसको सही किया जाए उन लोगों को बताया जाए नहीं हम वापस आ जाएंगे सिर्फ हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं हम अपने कंट्री को भी डेवलप करना चाहते हैं तो इसलिए हम जब तक बाहर जाके देखेंगे नहीं हम अपनी वो चीज अपने कंट्री में लाएंगे कैसे प्रैक्टिकल तौर पे तो ये सबसे बड़ी हर्डल है कि हमें वीजा नहीं मिलता जी हिमायल का कहना था कि शायद स्टूडेंट वीजे भी जो है ना रद्द हो जाते हैं तो दोनों साथी तो जी वाह जी वाह या इसमें ये कंट्री टू कंट्री जो है वो होता है जैसे नेदरलैंड्स की पॉलिसी है कि ये तो वैसे वीजा देते नहीं है स्टूडेंट वीजा हो या विजिटिंग वीजा कोई भी वीजा हो वो आपको यहाँ से स्पॉन्सरशिप आप स्पॉन्सर किया जाता है इन केस अगर आपकी नेदरलैंड की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ हुआ है तो यूनिवर्सिटी इज रिस्पॉन्सिबल वो आपको स्पॉन्सर करेगी और वो जो है यहाँ की जो इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है उसको आपके डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे और फिर इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है वो अबाइड टू फॉलो ऑल रूल्स एंड ऑल सजेशंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी सो मेरे ख्याल में यूके का मुझे नहीं आइडिया मगर नेदरलैंड्स का इस मामले में क्लियर है कि इसमें ये इशू नहीं आता वंस आपकी एडमिशन है आपकी स्कॉलरशिप है तो फिर आपको जो भी आपका वीजा प्रोसेस है वो बड़ा स्मूथली होता है जी
ओके थैंक यू वहाब साहब, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया कि नीदरलैंड में सब कुछ यूनिवर्सिटी करती है, मुझे ये नहीं पता था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हिमायल, हमारे साथ जो है वो लाहौर से थी मेरे ख्याल। जी मुस्तफा, जी मुस्तफा जी, थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि जैसे ही आपका, जैसे वहाब साहब ने बताया, बल्कि मेरे ख्याल में यूरोप में, जर्मनी में भी इसी तरह है, स्वीडन में भी इसी तरह है, अभी मेरे कुछ दोस्त पढ़ रहे हैं। यूके का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन क्योंकि स्वीडन में, जर्मनी में और नीदरलैंड में आपका वंस एडमिशन हो गया, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी आपको लेटर देती है उनकी एम्बेसी के लिए, यानी पाकिस्तान में जो नीदरलैंड की एम्बेसी होगी उसके नाम पर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर आएगा। जब आप वो लेटर देंगे तो फिर मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं होती, सवाए इसके कि आपका कोई पहले इस तरह का कोई डिफॉल्ट ना हो या कोई खुदा ना खासा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। अदरवाइज जब यूनिवर्सिटी का लेटर जाता है एम्बेसी के पास तो कोई वजह नहीं है, मतलब 99% चांसेस होते हैं कि आपको वीजा मिल जाता है। सर काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा मिडिल क्लास के आने से ताल्लुक रखते हैं, सिंगल पेरेंट हैं और कोई प्रॉपर्टी नाम पर नहीं है, तो वो इस वजह से भी रिजेक्ट कर देते हैं कि आपके लेस होम टाइज हैं। हो सकता होगा वो ज्यादातर जब लोग एजेंट्स के थ्रू बात करते हैं, तो ये मेरी आखिर में, बल्कि मैं एडवाइस तो नहीं कहूँगा, एक किस्म की सजेशन है कि कोशिश करें कि कभी एजेंट्स के थ्रू आप करेंगे तो इस तरह की सिचुएशन आती है, आप खुद करें और उसमें जो कहीं पे डिफिकल्टी हो तो हुसैन साहब के थ्रू रब्ता किया जा सकता है, वहाब साहब हैं, हम लोग यहाँ पे हैं, जितनी हम इंशाल्लाह कर सकेंगे सपोर्ट। तो मेरे ख्याल में वंस आपका एडमिशन हो जाए फिर नहीं रिजेक्ट होगा, वो एजेंट्स के थ्रू इस तरह की बातें की जाती हैं। तो स्कॉलरशिप का तो मतलब ही यही है कि अगर आप पुअर हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते तो तभी तो दी जाती है, तो इसमें मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कुछ और वजूहत हो सकती है एजेंट्स के लिए। थैंक यू मेरे ख्याल में आज का हमारा जो वेबिनार का टाइम था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बड़ी अच्छी, मोटिवेटिंग, इम्प्रेसिव और इंफॉर्मेटिव जो है डिस्कशन हमारी रही है। वहाँ ज़ारा और मुस्तफ़ा, आप तीनों साथियों ने जो है हमारे यूथ को काफ़ी जो है वो मोटिवेट किया है। मैं न सिर्फ यहाँ पे चेट पार्क्स में जो है वो आप की जो सब दोस्तों ने आपको थैंक्स भी कह रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन मैं अपने फेसबुक पेज पे भी देख रहा हूँ कि वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने जो है आपकी इस इन्फॉर्मेशन को अप्रिशिएट किया है। कुछ दोस्तों ने ये कहा है कि इसको, इस तरह के प्रोग्राम्स को रूरल एरियाज तक जो यूथ हैं उन तक भी जो है ना वो एक्सेस दी जाए। तो इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में आप हमें टाइम दे सकेंगे होपफुली, तो हम आप साथियों के साथ भी बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वीकेंड पे, हम जो हमारे साथी फरवा हैं, ये दो तीन स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे जर्मनी में स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ भी एक सेशन हम रखेंगे। तो मैं आज की इस जो हमारी वेबिनार की नशस्त थी उसमें मुस्तफ़ा साहब, वहाब और बेटा ज़ारा, आपके टाइम का और आपने जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की है हमारी यूथ की, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह इस तरह की नशस्तों में हम आइंदा भी मिलते रहेंगे। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया, खुश रहें और सेफ रहें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।